हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की एक और टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं। ये सीरीज में जो भी सभी जो क्वेश्चंस हैं आपके टर्म 1 एग्जाम्स के एमसीक्यू कॉन्सेप्ट के लिए काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस आर, एक हमारे पास कंडक्टिंग शेल है जिसकी रेडियस क्या है आर है, हैज द चार्ज क्यू, अनदर चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द शेल। ठीक है, उसका चार्ज तो क्यों था लेकिन सेंटर वाले पे चार्ज कैपिटल क्यों है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट पी एट द डिस्टेंस ऑफ आर बाय टू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल इज, मतलब हमारे पास पी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होने वाला है वो हमें फाइंड करना है। पहले हमारे पास वी का फॉर्मूला होता क्या है, नॉर्मली के क्यू अपन आर होता है। ठीक है, ये हमारे पास के क्यू अपन आर होता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने अदर केस में क्या बोला गया, इसकी रेडियस आर बाई टू हो जाती है और चार्जेस कैपिटल क्यू है सेंटर पर, तो उस पर देखेंगे क्या होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये फर्स्ट वाला बोल सकते हैं, ये पी वाला बोल सकते हैं। के क्यू हमारे पास कैपिटल क्यू है, रेडियस क्या हुआ आर बाई टू, ये टू ऊपर आ जाएगा, सो के टू क्यू बाई आर हो जाएगा सेकेंड का। और टोटल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करें तो वी इक्वल में वी वन प्लस वी टू, और वी वन कितना है हमारे पास के मतलब वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, और सेकेंड वाला क्या है के, उसकी वैल्यू भी यही है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू क्यू अपॉन आर। ऐसा कोई फॉर्मूला बनेगा जो कि हमारे पास ऑप्शन में गिवन है। यस, देखो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है इसके बेस पर। अब देखेंगे अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, ये कुछ हार्ड नहीं था, इजी था, सिर्फ न्यूमेरिकल में ऐसे केस आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा वो किसी भी टाइप से बनाकर पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। डेरिवेशन का अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास ये सीरीज वन में भी मैंने इसका क्वेश्चन रिपीट करा था, तो पोटेंशियल एट द पॉइंट एक्स पर हमें पोटेंशियल देखना है जिसकी मेजरड माइक्रोमीटर में गिवन है ड्यू टू सम चार्जेस सिचुएटेड ऑन द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, कितना है हमारे पास पोटेंशियल 20 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, यही है ना, वोल्ट में गिवन है, वोल्ट्स इसकी यूनिट होती है इसीलिए। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है ई एट एक्स इक्वल टू 4 माइक्रो कूलम, 4 माइक्रोमीटर कूलम। अब हमारे पास गिवन बाय, ये गिवन दे दिया, अब चेक करना है हमें कौन कौन से ऑप्शन इसके करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट होने वाला है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ई का हमने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा है, ई इक्वल में माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स, मीन्स मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ वी फाइंड करना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट के लिए। तो मैं इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करता हूँ, वी डिफरेंशिएट दी इक्वेशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिनोमिनेटर में एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। मैथ वाले स्टूडेंट अच्छे से जानते होंगे और जो नहीं जानते बायोलॉजी बोल सकते हैं, मेडिकल वाले स्टूडेंट वो उसकी सेपरेट वीडियो देख सकते हैं, मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए सेपरेट वीडियो बनाई जिससे वो प्रिपेयर कर सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर 20 है, 20 कॉन्स्टेंट बाहर लिख लेते हैं, यहाँ पर पावर 1 है, ऊपर आकर पावर कैसे हो जाएगी माइनस की 1 हो जाएगी। अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए कैसे करना है, 20 सेम एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर ये कैसा था, माइनस का था, अभी मैं dv अपॉन dx फाइंड कर रहा हूँ, यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस हम वहाँ पर रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस का 20। ठीक है, 1 और 1 2 अपॉन में आने पर कैसा हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये प्लस का 2 हो जाएगा, जिसे हमने x माइनस का डिफरेंशिएशन दोबारा करते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, क्या आएगा 2x, 2 2 4 यानी कि 40, x की वैल्यू भी 4 है, अपॉन में x की वैल्यू 4 रखेंगे, सो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 माइनस करेंगे 12, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 160 अपॉन 144 ये किसके टेबल में आते हैं, 16 के, 16 10 जा 16 9 जा। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स, और डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 10 अपॉन 9 यानी कि प्लस का 10 अपॉन 9 हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्ट पर मीटर नहीं म्यू माइक्रोमीटर है। तो ये पहली बात तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हो क्योंकि प्लस है, 10 अपॉन 9 ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है, यस और नो, फर्स्ट और डी में है 10 अपॉन 9, तो दो तो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास दो बचे हमारे पास क्या, सब्स्टिट्यूट होने के बाद 10 अपॉन 9 यानी कि वोल्ट पर माइक्रोमीटर, ठीक है, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखेंगे अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। थर्ड क्वेश्चन भी थोड़ा सा इसी पर बेस्ड है, इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, दोनों सीरीज जब मैंने डिस्कस किया तो आपको पता चल जा रहा है कि क्वेश्चन के ऊपर बार बार इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो अच्छा क्वेश्चन है यानी कि अच्छा कॉन्सेप्ट है वाला, सेम वही फॉर्मूला लगना है, ई इक्वल में माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स वाला कॉन्सेप्ट है, देखते हैं कैसे सॉल्व होना है। एज्यूम दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल हमारे पास क्या गिवन है, 30 एक्स स्क्वायर आई कैप गिवन है, एग्जर्ट इन स्पेस, देन अ पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है वी ए माइनस वी नॉट। ठीक है, वेयर वी नॉट इज द पोटेंशियल एट द ओरिजन, ये ओरिजन का है 0 का बोल सकते हैं, एंड
वी ए इज द पोटेंशियल एट 2 मीटर पर, ये पोटेंशियल है ठीक है। चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास आने वाला है, ई सॉल्व कर सकते हैं। ई हमारे पास ये गिवन है, वी हमें फॉर्मूला आपको पता है, ई इक्वल माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स है, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई। सो डी वी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का ई डी एक्स आएगी। जब भी डिफ्रेंशिएशन को रिमूव करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो फंक्शन में लिख देंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ये हमारे पास क्या है, वी नॉट से वी ए तक है, ये क्या है हमारे पास 0 से 2 तक लिमिट गिवन है। डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन रिमूव होगा, सेम वी ए माइनस वी नॉट माइनस सेम ई की वैल्यू 30 एक्स स्क्वायर डी एक्स सेम। इंटीग्रेशन करना आता है, इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर का एक्स की क्यूब अपॉन क्यूब, अपर लिमिट क्या है 2, ये 0। सॉल्व करेंगे 3 से, 3 का स्क्वायर है ना अपर, अभी देखो क्या सॉल्व करेंगे हम, अपर सो स्क्वायर नहीं है अपर लिमिट है, मैं स्क्वायर समझ रहा हूँ। सो 3 को हम बाहर लिख लेते हैं, 30 10 आ जाएगा, अपर लिमिट 2 पुट करेंगे 8, ये 0। सो ये कितना आएगा, माइनस का 80। और ये हमारे पास अपर लिमिट पुट करेंगे वी ए माइनस वी नॉट, यही हमें फाइंड करना था, वी ए माइनस वी नॉट, तो 80 वोल्ट आएगा माइनस में। ऐसा कोई ऑप्शन है, ये देखो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर है, कैसे सॉल्व होगा 4 भी इसी के बेस पर है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए था, वो एक्स और वाई दोनों के लिए एक साथ दे दिया है कंबाइन करकर। अच्छे से समझना है क्वेश्चन को। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई हमारे पास कितना है, 25 I प्लस 30 J, यानी कि ये एक्स एक्सिस के लिए वाई एक्सिस के लिए, पता है ना न्यूटन पर कूलम्ब ई इक्वल एफ अपॉन क्यू वाले कॉन्सेप्ट से इसकी यूनिट गिवन है। एग्जिस्ट इन अ रीजन ऑफ स्पेस इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजन इज टेकन टू बी 0 से वो पता है हमें, देन द पोटेंशियल एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 2 पर बताना है कि हमारे पास पोटेंशियल आने वाला है। क्या फॉर्मूला बताया था, ई इक्वल में माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स। अगर मैं बात करूँ किसके लिए, दोनों के लिए, एक्स वाले के लिए ई एक्स होगा और वाई वाले के लिए ई वाई होगा, ये डी वाई हो जाएगा, दोनों के कंबाइन करके लिखें। और डिफरेंशिएशन को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डेरिवेटिव को रिमूव करने के लिए। सो यहाँ पर भी करेंगे ई एक्स सेम डी एक्स सेम ई वाई डी वाई, लिमिट देखते हैं, ये तो हमारे पास पता है क्योंकि हमें फाइंड करना है। लेकिन एक्स की हमारे पास क्या है, ओरिजिन से 0 से 2 गिवन है, ये भी 0 से 2 गिवन है ठीक है ना। सो ई एक्स की वैल्यू 25 है, मल्टीप्लाई में 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन करना आता है हमें। ऐसे यहाँ पर ई वाई के लिए कितना कॉन्सेप्ट दिया है, ई दिया है 30, यहाँ पर इसे 30 को बाहर लिख लेते हैं, 1 बचेगा, 1 की हमें यहाँ पर क्या करना है इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम, यहाँ पर एक्स की जगह यहाँ पर वाई आ जाएगी क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। सो सॉल्व करेंगे 2 माइनस 0, ये भी 2 माइनस 0, ये कितना है माइनस का 50 माइनस का 60 माइनस का 110। सो वोल्ट कितना है, माइनस का 110 वोल्टेज आएगा। इसका ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अब देखेंगे सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 क्वेश्चन हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया था कैपेसिटेंस इन फेरेड में बताना है ऑफ ए स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर। पहली बात तो स्पेरिकल कंडक्टर दिया है, रेडियस दिए, तो हमें पता है क्या कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर, सी इक्वल में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसकी हमें पता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9×10⁻¹। अपॉन में फाइंड करनी है, उल्टा कर देगा तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9×10⁻¹ हो जाएगी। सो इसकी वैल्यू 1/9×10⁻¹, रेडियस कितनी है 1 गिवन है। सॉल्व करते हैं, टेन 0 है ना, 10 से डिवाइड 1 से मल्टीप्लाई। अब 10 को 9 से डिवाइड करो, 9 1 जा 9 1 जा, 10 और 1 9 ऊपर जाकर माइनस के 10 हो गया। ये हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस है, फेरेड इसकी यूनिट होती है ठीक है। ऑप्शन देखिए इसका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारे पास किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। सीरीज के क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है दोनों हमारे पास। क्वेश्चन में बोला है वर्क डन फाइंड करना है इन प्लेसिंग अ चार्ज, चार्ज कितना है 8×10⁻¹⁸ कूलम ठीक है। उन्हें बोला ऑफ एन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटर कैपेसिटी कितनी है 100 है ना, 100 माइक्रोफेरेड इज क्या होने वाला है वर्क डन को आपको पता है यू भी बोल सकते हैं, यू का फॉर्मूला को यूज कर ले 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी यूज कर सकते हैं क्योंकि वर्क डन निकलेगा पोटेंशियल एनर्जी निकल ले, बात एक ही है 1/2 इलेक्ट्रोस्टैटिकल एनर्जी। क्यू हमारे पास कितना है 8×10⁻¹² है ना, तो दोबारा लिख लेंगे
सी कितना है 100 माइक्रो फेरेड को फेरेड में चेंज कर लेंगे माइनस 6 से मल्टीप्लाई करके, सॉल्व कर लेते हैं कितना आएगा 4, 8 4 जा 32, 6 में से 2 माइनस करेंगे 10, सॉरी 4, 4 माइनस कर देंगे कितना आएगा 14, 14 और 18 10 की पावर माइनस 32। क्या फाइंड करा है, जूल वर्क, तो ऐसे कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर डी देखो 32 × 10^-32 जूल करेक्ट है बिल्कुल। अब देखेंगे अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7, ये भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है, मैंने बताया आपको, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैसे सॉल्व होना है। क्वेश्चन नंबर 7 में, 7 हमारे पास बोला हुआ है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ टू सर्कुलर प्लेट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2 mm, डिस्टेंस कितनी है 2 mm है, ठीक है, एंड विद अ डायलेक्ट्रिक ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, यानी कि डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की तरह बनता है, कप्पा बोलते हैं ग्रीक लेटर है, बिटवीन दैम विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायलेक्ट्रिक, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3 × 10^4 वोल्ट पर मीटर, यही होती है यूनिट, ई इक्वल में वी अपॉन डी वाले फॉर्मूले से या फिर एल वाले फॉर्मूले से ना। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी, यानी कि सिग्मा हमें कैलकुलेट करना है, ऑप्शन सभी हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। सो फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आपने ये पढ़ा है, कप्पा इक्वल में इसकी वैल्यू क्या है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, सो कप्पा क्या आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट आ गया, फाइंड क्या करना है, ये डिवाइड चेंज टू मल्टीप्लाई ई के और एप्सिलॉन नॉट, ई हमारे पास कितना दिया है 3 × 10^4 के कप्पा 2.2, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कहते हैं चैप्टर फर्स्ट में पढ़िए 8.85 × 10^-12, सॉल्व कर लेते क्या आंसर आने वाला है, 22 की 885 में मल्टीप्लाई करते हैं पहले 3 सेम 10^12 में से 4 माइनस करेंगे 10^-8, 22 जा 110 11 कैरी, 22 जा 176 और 11 कितने होते हैं 176 186 187 8 जा 176 186 194 1, 2, 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो 0 है फिनिश कर देते हैं, 0 हो गया, 7 3 जा 21 कैरी 2, 3 4 जा 12 14 कैरी 1, 3 9 जा 27 28 कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास 5, 4 3 डिजिट के बाद पॉइंट है 10^-8 सेम। और ऑप्शन में क्वेश्चन ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 6 हमारे पास है 7 है, एक डेसिमल डिजिट आगे कर लेते हैं 5.84 हो जाएगा, 8410 10^-7 हो जाएगा, इसे अप्रॉक्स कितना लिख सकते हैं 6 × 10^-7 लिख सकते हैं। क्या फाइंड करा है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन, यानी कि चार्ज अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है, हमारे पास मिलीमीटर में दिया तो मिलीमीटर में, हमारे मीटर में ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही करेक्ट है, यस और नो, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 6 × 10^-7 बिल्कुल क्लियर है। अब देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सीरीज के क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, 8 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया टू कैपेसिटर C1 एंड C2 आर चार्ज टू 120, C1 और C2 इसे 120 वोल्ट से चार्ज किया गया है और इसे 200 वोल्ट से, ठीक है, रेस्पेक्टिवली इट इज फाउंड दैट बाय कनेक्टिंग दैम टुगेदर द पोटेंशियल ऑफ ईच वन कैन बी मेड जीरो, पोटेंशियल को हमारे पास जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके एक दो कनेक्शन हम किस तरीके से बना सकते हैं, V1 इज इक्वल टू V2 रख दें तो हमारे पास कनेक्शन जीरो बनने के चांसेस होते हैं, V इक्वल में क्या होता है C इक्वल में Q अपॉन V और V इक्वल में हमारे पास क्या आ जाएगा Q अपॉन C आ जाएगा। और हमारे पास एक छोटी सी चीज़ और भी है, क्या इसके लिए हमारे पास क्या आएगा V1 इज इक्वल टू V2 आए, मतलब उनके चार्जेस को इक्वल लग दें, V1 इज इक्वल टू V2 को ना रखकर चार्जेस को इक्वल लग दें, सो चार्जेस क्या होंगे हमारे पास Q1 इक्वल टू Q2 होगा, जब चार्जेस इक्वल होंगे तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, तो डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, ये C1V ये C2, पहले का हमारे पास कितना है ये है 120, ये कितना है 200, कुछ कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल और 4 3 जा 4 5 जा 3 C1 5 C2 ये आ गया हमारे पास, ध्यान रखना पोटेंशियल का केस अगर कभी भी जीरो बनाने के लिए ऐसा कनेक्शन है आपको ज्वाइंट करने के लिए तो चार्जेस को दोनों को इक्वल रखा जाता है हमारे पास। अब देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा 3C1 = 5C2। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है नाइन क्वेश्चन भी इजी है, इफ देर आर एन कैपेसिटर इन पैरेलल कनेक्शन कनेक्टेड टू अ वी वोल्ट सोर्सेज देन द एनर्जी स्टोर्ड इन इक्वल टू, मैं आपको बताऊं एनर्जी हमारे पास यू होता है, यू अगर मैं आपसे बात करते हैं क्या कहते हैं पैरेलल कनेक्शन में ऐड है, ठीक है ना, पैरेलल कनेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है C=C1+C2+C3, वी कैसा होता है कॉन्स्टेंट होता है, यू का फॉर्मूला 1/2 CV² होता है, ये कॉन्स्टेंट है ये तो सेम रहेगा लेकिन वी के चेंजेस होने के चांसेस है पैरेलल में, सो लिख सकते हैं एन इंटू क्या एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर,
ध्यान रखना, एक कैपेसिटर में जितनी भी एनर्जी होगी उसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी होती है सी वी स्क्वायर होती है। सो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन के लिए, जब भी हमारे एन कैपेसिटर आ जाएंगे तो इसका फॉर्मूला देखो, ऑप्शन ये हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, एन यहाँ पर लिख दे, यहाँ लिख दे, बात देखिए मल्टीप्लाई में 1/2 एन सी वी स्क्वायर। अब देखेंगे अपनी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या गिवन है, 10 हमारे पास कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया हुआ है, अ बैटरी इज यूज टू चार्ज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टिल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स बिकम इक्वल टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा जी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वी इक्वल में क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू, और डब्ल्यू इक्वल में क्या हो जाएगा, वी क्यू। यस, और यहीं से देख लेते हैं, क्यू इक्वल में क्या होता है, सी वी, पुट कर दो सी वी स्क्वायर आ जाएगा। यस और नो, डब्ल्यू आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी, ठीक है। द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड फाइंड क्या करना है, एनर्जी स्टोर्ड का रेशियो और वर्क डन दोनों का रेशियो बताना हमें क्या होने वाला है। सो एनर्जी तो हमें पता है, इक्वेशन फर्स्ट मान लें, एनर्जी क्या होता है 1/2 सी वी स्क्वायर, रेशियो फाइंड करना है यू, यानी कि इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, यू अपॉन डब्ल्यू, यू कितना 1/2 सी वी स्क्वायर, डब्ल्यू कितना है सी वी स्क्वायर, सी वी स्क्वायर से सी वी स्क्वायर कैंसिल 1/2, यानी कि 1:2। यस और नो, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए ही देखो 1/2 करेक्ट है। आई होप सो टॉप 10 क्वेश्चंस क्लियर हो गए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट चैप्टर, अच्छे अच्छे चैप्टर्स की, अच्छे अच्छे नोट्स, टॉपिक और सीरीज आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।